वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास चार पार्ट्स हैं ए बी सी डी, पहले दो पार्ट्स में हमने करना है ऐड एंड इन द नेक्स्ट टू पार्ट्स सी एंड डी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। मैं आपको पहला पार्ट कराऊंगा, देन आई विल टेक पार्ट सी और पार्ट बी और पार्ट डी आप लोग खुद ही करेंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए पार्ट ए को हम लोग देखते हैं। पार्ट ए जो हमारे पास है, पार्ट ए क्या कहता है, एड पी इंटू पी माइनस क्यू, पी इंटू पी माइनस क्यू कामा, कामा की जगह हमने प्लस लगाना है, ठीक है, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एंड एंड की जगह फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई है वी हैव टू ऐड देम, आर इंटू आर माइनस पी, ये क्या बनेगा, फिर वही बात पी इंटू पी इज पी स्क्वेयर, बीच में निशानी माइनस, फिर पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम पी क्यू, सिमिलरली यहाँ पे क्यू को पहले क्यू के साथ ज़रब इट विल बिकम क्यू स्क्वेयर, बीच में माइनस निशानी, फिर क्यू को आर के साथ इट विल बिकम क्यू आर प्लस, यहाँ पे आर को अंदर लेके जाऊँगा इट विल बिकम आर इंटू आर होता है आर स्क्वेयर, बीच में माइनस आर इंटू पी, थोड़ा आर्डरली लिखेंगे पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे, जैसे पहले हम पी स्क्वेयर लिखेंगे, उसके बाद मैं लूँगा ये प्लस क्यू स्क्वेयर, फिर लूँगा प्लस आर स्क्वेयर, देन आई विल राइट दिस माइनस पी क्यू, देन माइनस क्यू आर ये वाला, देन माइनस पी आर। तो फाइनली हमारे पास जो ये जवाब जो है ऐड करके ये जवाब आया, तो कोई उतना मुश्किल नहीं था। चलिए अब हम लोग जो हैं पार्ट सी पे जाते हैं। अब जो हमारे पास सी पार्ट है इट इज़ सब्ट्रैक्ट 3l है, ये जो है इट इज़ l, 3l इंटू एल माइनस 4m प्लस 5n, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्राम 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे जैसा कि मैंने लिखा है, फर्स्ट आई विल राइट दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे ये वाली, फिर उसमें से माइनस करूँगा ये जो पहली वाली एक्सप्रेशन, फिर वैसे ही 4l को मैं अंदर लेके जाऊंगा, 4 10s are 40, ठीक है, यहाँ पे l यहाँ पे n इट इज़ बिकम 40ln, बीच में माइनस निशानी, फिर 4l को 3m के साथ इट इज़ बिकम 4 3s are 12ln, 4l को 2l के साथ फिर ज़रा वैसे ही इट विल बिकम 8l स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये माइनस 3l है इसको अंदर लेके जाऊँगा इट विल बिकम माइनस 3l इंटू l, l और l को ज़रब लगेगी इट विल बिकम माइनस 3l स्क्वायर, फिर इस माइनस 3 से लेके अंदर लेके जाऊँगा माइनस 4m के साथ ज़रब लगेगी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को इफ़ बोथ आर हैविंग नेगेटिव साइन, जैसे माइनस 3 माइनस 4 को ज़रब देंगे इट विल बिकम प्लस 12 प्लस 12, l और m आ गया ln, और फिर ये जो माइनस 3 है फिर इस माइनस 3l को हम देंगे इस प्लस 5n के साथ ज़रब, यहाँ पे माइनस 3 के साथ जो है वो माइनस है और जो 5 के साथ है वो प्लस है, इट विल बिकम प्लस माइनस, माइनस 3 5s are 15, l इंटू n इट इज़ ln, ठीक है। देखिए अब हम लाइक टर्म्स को देखते हैं, लाइक टर्म्स को यहाँ पे ln वाली टर्म और यहाँ पे भी ln वाली टर्म, यहाँ पे 40ln, यहाँ पे है माइनस 15ln, 40ln माइनस 15ln इट विल बिकम 25ln, ठीक है। यहाँ पे है ln वाली टर्म, यहाँ पे भी है ln वाली टर्म, यहाँ माइनस 12 वहाँ पे प्लस 12, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा,
यहाँ एल स्क्वेयर वाली टर्म, ये भी एल स्क्वेयर वाली, 8 माइनस 3 किसके बराबर आएगा, 5, 5 एल स्क्वेयर। तो फाइनली जो हमारे पास जवाब आया, अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखें, इट विल बिकम दिस 5 एल स्क्वेयर प्लस 25 एल एन। बहुत ही आसान था। यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ रखनी है कि निशानी कहाँ पे कौन सी रहेगी। जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम प्लस, अगर हम माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है आज का समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।